वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा क्लासेस वंस अगेन। जैसा कि हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं कॉमर्स के लिए, पीजीटी, टीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए, न्यू बैच हम लोग का स्टार्ट होगा 20 जैन 2022। ये बहुत फैसिलिटी है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी के क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरीके के सिलेबस हैं, क्या क्या आते हैं, कैसे हम इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बीएन पांडे आप लोग को थोड़ा गाइड करूंगा किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सिलेबस। जब तक किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करें तो हमको अगर सिलेबस ना मालूम हो तो एक गाइड नहीं मिल पाता, इसलिए आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सिलेबस किस तरीके के और क्या क्या आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस को हम लोग थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और फिर हम लोग इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अकाउंट्स, सांख्यिकी एवं अंकेक्षण, ये तो एक टॉपिक है इसका, यानी अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिट। ये अकाउंट्स में अपने को क्या पढ़ना है, पुस्तपालन का अर्थ, उद्देश्य एवं विधियाँ, मीन्स बुक कीपिंग के क्या क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और किस तरीके से बुक कीपिंग की क्या मेथोडोलॉजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग को पढ़ना है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री पढ़ना है, रोजनामचा, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, मीन्स खाता बही और ट्रायल बैलेंस यानी तलपट। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट के कुछ हमको प्रविष्टि, यानी जर्नल एंट्री के साथ साथ फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देन सिलेबस का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी के अकाउंट, फिर इश्यूज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, उनको फॉरफिट माने कैसे आप उनको हरण करेंगे अगर हिंदी में जाने तो, फिर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे अधिकार, शुल्क लेखे, मीन्स क्या कि रॉयल्टी अकाउंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। HP पढ़ना है, IP पढ़ना है यानी हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो रहा अकाउंट के भाग, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हमको मेन, मीडियन, मोड ये सब पढ़ना है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करें, उनके क्या क्या मेथोडोलॉजी हो, टैबुलेशन करें यानी वर्गीकरण करें, फिर क्लासीफाई करें उनको, क्लासीफिकेशन। उसके बाद डिस्पर्जन पढ़ना है अपने को, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद जब हम पढ़ेंगे सेकेंड जो हमारा रेंज होता है, मीन डेविएशन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो उसी का ये पार्ट है फ्रेंड्स जो हमको पढ़ना है यहाँ पे, अपकिरण मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो ये तो रहा हमारा सांख्यिकी का। उसके बाद ऑडिट का, ऑडिट में है अंकेक्षण के डेफिनेशन है, इसके स्कोप हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। वाउचिंग पढ़ना है, वाउचिंग के बाद उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, सेवरल टाइप्स ऑफ वाउचिंग भी होते हैं, उनको किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे यानी प्रमाणन करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपने को जो सिलेबस में दिया गया है व्यापारिक संगठन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको कैसे, उसमें क्या क्या दिया है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे दिया है व्यापार एवं सभ्यता का संबंध, मतलब सिविलाइजेशन और ट्रेड से क्या रिलेशन है, किस तरीके से कोरिलेट करता है। देन पढ़ना है व्यावसायिक संगठन का अर्थ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, स्कोप, फिर पर्यावरण प्रदूषण यानी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो भी होते हैं और उनसे कोरिलेट किसको करना है, इंडस्ट्री को। देन व्यापारिक कार्यालय के कार्य, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को जानना है। नेक्स्ट विज्ञापन एवं विक्रय कला यानी एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के आर्ट,
जैसे विक्रय कला है, विक्रय कला मतलब कई कई टाइप के विक्रय होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देन देसी व्यापार मीन्स डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, तो ये तो रहा अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। उसके बाद अपना जो सिलेबस दिया है मैनेजमेंट यानी प्रबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रबंध में दिया है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, यानी मैनेजमेंट के क्या नेचर है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है। फिर फ्रेंड्स प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, थॉट क्या है इनके, और प्रबंधकीय कार्य यानी जो सेवरल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे पोस्ट कॉम्प के बारे में पूरा, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। देन फ्रेंड्स अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मुद्रा बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, इसके बारे में भी ओवरव्यू लेना है अपने को, जानना है, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी जानना है। तो अर्थशास्त्र के परिभाषा डिफरेंट टाइप्स के हैं, वेल्थ के कॉन्सेप्ट में है, मनी के कॉन्सेप्ट में है, और ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट में है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट मार्शल वगैरह ने जो दिया है, और हमारा स्कोप क्या है। उसके बाद अपने को पढ़ना है कंजम्पशन मार्जिनल, मतलब उपभोग और मार्जिनल एवं सीमांत एवं कुल उपयोगिता, यानी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी के बारे में एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे, जानेंगे। देन हम लोग को सीमांत उपयोगिता का नियम, डिमांड एंड सप्लाई का जो इलास्टिसिटी है, और उनका उत्पादन के कौन कौन से फोर्सेस है, कौन कौन से साधन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उत्पत्ति के नियम यानी लॉ ऑफ यूटिलिटी क्या है, देन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं यहाँ से, जनसंख्या के सिद्धांत जो माल्थस वगैरह ने दिया है उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद बार्टर सिस्टम, यहाँ पर विनिमय बाजार के प्रकार आ गया। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपटीशन के मार्केट होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, डियोपॉली क्या है, मोनोपॉली क्या है। उसके बाद प्राइसिंग डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स। देन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे कि मतलब वितरण क्या है और वितरण के सिद्धांत क्या है। फिर सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र एवं कार्य, पूंजीवाद एवं समाजवाद मतलब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इसके बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग जानेंगे। देन मुद्रा का महत्व, ग्रेशम का नियम, और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यानी ये आपका आ गया फिशर के जो लॉ हैं उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे। फिर वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी के बारे में ओवरव्यू लेंगे। फिर बैंकिंग, बैंकिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, कितने टाइप्स के बैंकिंग हैं, कॉमर्शियल बैंकिंग क्या है, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। देन इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है और इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है अपना वो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में जानेंगे। देन विदेशी व्यापार संबंधी समस्या मीन्स जो विदेश से व्यापार होते हैं, फॉरेन ट्रेड होते हैं, उनसे रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो जानेंगे। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि ये तो रहा हमारा TGT कॉमर्स का सिलेबस। इसको ध्यान में रख के हम लोग टू द पॉइंट और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बारे में डेप्थ में जाएंगे, ताकि जैसा कि हम लोग जानते हैं आयोग तरह तरह के क्वेश्चन, तरह तरह के कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों के एग्जाम में पुट करता है। देन ये PGT का सिलेबस है, तो PGT और TGT में लगभग सेम है, बट PGT में फ्रेंड्स अकाउंट्स में सारी चीज़ें जो हमने बताया वो है, कुछ चीज़ें इसमें और जुड़ जाती हैं, जैसे आपकी ये डिवेंचर शेयर के इशूज होंगे, इसको भी थोड़ा ओवरव्यू ले लें। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, तो आसानी रहेगी तो सिलेबस के बारे में जानने के लिए हम लोगों को। आप स्क्रीन से, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। तो इसमें कुछ चीज़ें जो बढ़ जाती हैं वो है आपका टैक्सेशन से, टैक्स के रिगार्डिंग भी इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। टैक्स, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, उसके बाद आपका इसमें कर लेखांकन यानी टैक्सेशन आ जाएगा। टैक्सेशन के बाद टैक्सेशन के भी डिफरेंट टाइप्स जो हम और आप पढ़ते आए हैं BCom MCom में सारी चीज़ें,
उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और मैनेजमेंट में इसमें स्पेसिफिक जैसे मेयो की क्या क्या, एल्टन मेयो, हेनरी फेयोल, टेलर, ये लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, इन इन लोगों की क्या क्या प्रिंसिपल हैं, इनके क्या क्या स्कूल ऑफ थॉट हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें मैक्रो के बारे में जानना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अर्थशास्त्र एवं क्षेत्र। उसके बाद इसके जितने भी टाइप्स के कॉस्ट होते हैं, मतलब आपके मेन कॉस्ट हो गए, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गए, और एवरेज कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, फिर बिजनेस ट्रेड के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, देन तो इतना हमारा रिगार्डिंग रहा किसके सिद्धांत जो है सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में। अब यहाँ पे सांख्यिकी रीतियाँ मीन्स स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी दिए हैं, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़ना है, फ्रिक्वेंसी विश्लेषण, कोरिलेशन और रिग्रेशन मीन्स सहसंबंध और प्रतिगमन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। उसके बाद उनके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिलेशन के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स, देन टाइम सीरीज का हम लोग को एनालिसिस करना है। उसके बाद हम लोग बिजनेस फॉरकास्टिंग के बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें पीजीटी के सिलेबस के रिगार्डिंग हैं। देन सैद्धांतिक बारंबारता मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे द्विपद एवं पॉइसन यानी बायनोमियल और पॉइसन के कुछ तरीके दिए हैं वो जानेंगे। फिर भारतीय सांख्यिकी विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में मतलब सैंपल को किस तरीके से हम कलेक्शन करें और इंडियन सिनेरियो में उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन एग्रीकल्चर कलेक्शन ऑफ डेटा और इंडस्ट्रियल डेटा के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो भारतीय सांख्यिकी की कमियां हैं एवं उसके कुछ सुझाव जो हमारे और आपके संबंध से होने चाहिए, उसमें क्या क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस और टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। आज हम लोग फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे बही खाता, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो बही खाता, बही खाता को जैसा कि नाम से ही है, बही खाता को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, पुस्तपालन, मतलब पुस्तक का जो पालन करता हो, मीन्स क्या कि जहां पर पुस्तक रहती है। अगर हम इसको स्पेसिफिक जाने इसका अर्थ, तो फ्रेंड्स हम इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, पुस्तपालन, पुस्तपालन का मतलब क्या है कि वह व्यक्ति जो क्या करे, जो पुस्तकों को मेंटेन करे। अभी हम बताएंगे कौन सी पुस्तकों को मेंटेन करना है, उसको पुस्तकों को, पुस्तकों का रख रखाव करे, रख रखाव करे। ठीक फ्रेंड्स, तो जैसा कि बही खाता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुक कीपिंग, मतलब बुक को कीप करना। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी होता है या व्यावसायिक व्यवहार होता है, उसमें तरह तरह के पर डे यानी डेली के तरह तरह के क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उन ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से अपने यहाँ मेंटेन करें, ताकि ट्रांजैक्शन की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसको याद करना, स्मृति में लेना, ये मानवीय दृष्टिकोण से संभाव्य भी नहीं है। तो इस परेशानी से बचने के लिए संस्था में पर डे यानी प्रतिदिन जो एक व्यक्ति होता है, जितने भी लेन देन होते हैं, वो उसको मेंटेन करता है। तो मेंटेन कहाँ करेगा, मेंटेन करने के लिए कुछ बुक्स रखते हैं, स्पेसिफिक बुक्स रखते हैं, कॉपी रखते हैं, तो वहाँ पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, देखिए बही खाता है, तो बही खाता को पुस्तक पालन है, तो पालन करने वाला भी कोई होगा, यानी क्या बुक कीपर भी होगा। तो बुक कीपिंग को बुक कीपर ही क्या करता है, एडजस्ट करता है, वही उसको मेंटेन करता है। जो डेली के यानी प्रतिदिन संस्था में होने वाले प्रतिदिन व्यवहारों का रख रखाव करना, और उसके लिए उन व्यवहारों को क्या करना, लेखा करना ही किसी भी निश्चित तरीके से क्या होता है, एक पुस्तक को रखा जाता है, उसी को हम कहते हैं बही खाता, पुस्तपालन या बुक कीपिंग। समझ में आई बात, फिर से बताते चलें,
प्रतिदिन क्या होता है, इसको यदि हम पॉइंट में लिखना चाहें फ्रेंड्स तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या होता है डेली के, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भी हम बोलते चलेंगे और उसमें आप लोग समझते चलेंगे कि डेली बेसिस एंट्री होती है। क्या होती है इसमें डेली बेसिस एंट्री होती है, तो लिखते चले जैसे कि डेली बेसिस एंट्री। जैसा कि हमने बताया कि प्रतिदिन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन को लिखना, तो किसी निश्चित नियम से लिखेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, ताकि इतने ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसको याद करना संभव नहीं है, इसलिए हम एक निश्चित कॉपी में या बुक में क्या करते हैं उस सारे ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो क्या होता है प्रतिदिन के आधार पे होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या जो होती है हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसको भविष्य के संदर्भ में, तो ये किस लिए होता है भविष्य के संदर्भ में, मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, भविष्य संदर्भित जानकारियां भी इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, भविष्य संदर्भित जानकारियां भी फ्रेंड्स हम प्राप्त कर सकते हैं किससे, बुककीपिंग को मेंटेन करने से, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है तो हम लिख लें, ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, लेन देन, ठीक है। ट्रांजैक्शन का क्या किया जाता है फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्ड। तो ये तो रहा कुछ कॉन्सेप्ट जो बुक कीपिंग के बारे में है। तो अब अगर हम इसको समराइज करें तो इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन को, प्रतिदिन के लेन देन को किसी निश्चित नियम, किसी निश्चित नियम के आधार पर प्रतिदिन के लेन देन को किसी पुस्तक में रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुस्तपालन, और इसको जो रखता है उसको क्या कहते हैं, बुक कीपर, क्या कहते हैं, बुक कीपर, ठीक है, पुस्तपालक, हिंदी इसका हुआ पुस्तपालक, ठीक। चलिए अब हम थोड़ा एक चीज और जानेंगे फ्रेंड्स, इसके इतिहास के बारे में, हम लोग तो इतना जाने, अब थोड़ा इसका इतिहास देखिए। जैसा कि हम लोग को मालूम है पुस्तपालन का इतिहास, ठीक है, नहीं आ रहा है ना, पुस्तपालन का इतिहास, सही, क्लियर, सही। पुस्तपालन के इतिहास में जैसे हम लोग को मालूम है, हम लोग ल्यूकस पैसियोली के बारे में पढ़ते हैं कि 1494 में इटली के रहने वाले थे निवासी ल्यूकस पैसियोली, जो विशुद्ध रूप से गणितज्ञ थे, क्या थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने 27 पेज का एक लेख लिखा था जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस, किसने लिखा था, ल्यूकस पैसियोली, जो इटली के रहने वाले थे, इन्होंने 27 पेज का क्या लिखा था, एक लेख लिखा था, जो ये बेसिकली किसके बारे में हम लोग को बताते थे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। कब बताया, 1494 में, कहां के रहने वाले थे, इटली के, क्या थे,
मैथमेटिशियन, मैथ मैटिशियन, ठीक है। ये तो रहा ग्लोबल इनकी हिस्ट्री। बट आप थोड़ा सोचिए कि ये 1994 है, क्या इससे पहले ट्रांजेक्शन नहीं होता था, या इससे पहले कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी? होती थी। ये एक अपना तरीका दिए, जिसे हमने यहाँ पर बताया कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया। उससे पहले ही अपने भारतीय दृष्टिकोण से यदि जाने तो अपने यहाँ जो चारों वेद हैं, जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके बारे में भी दो स्पेसिफिक वेद के बारे में जिसको हम मेंशन करते चलें, दो स्पेसिफिक अथर्ववेद में, अथर्ववेद में विक्रय के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, अथर्ववेद में विक्रय के बारे में यानी सेल्स के बारे में बताया गया है, और ऋग्वेद में क्या बताया गया, शुल्क के बारे में। तो हम लोग लिख लें कि अथर्ववेद में ऋग्वेद में सबसे पहले ऋग्वेद में शुल्क के बारे में चर्चा की गई है, शुल्क के बारे में, और अथर्ववेद में किसके बारे में चर्चा की गई है, अथर्ववेद में चर्चा की गई है विक्रय के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि पौराणिक समय से ही कॉमर्स या ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारियां थी, ठीक है, मगर लोग इसको अच्छे तरीके से समराइज नहीं कर पाए, या इनका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, जिसके लिए उस टाइम की परिस्थितियां जिम्मेदार रही होंगी। तो हम लोग थोड़ा इसका ओवरव्यू लिए फ्रेंड्स, क्या होता है ये। ऋग्वेद में सबसे पहले शुल्क के बारे में बताया गया, अथर्ववेद में विक्रय के बारे में बताया गया। तो हम तो यह कह सकते हैं कि हमारे भारतीय लोग इन सारी चीजों से परिचित थे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए नया दृष्टिकोण आया या नई बातें आई, ये लोग परिचित थे पहले से ही, ठीक है। उसके बाद बेबीलोनिया वगैरह में कहानी लंबी है, बेबीलोनिया में फिर सारी चीजें हुई, फिर भारतीय लोग क्या वहां व्यापार करने गए तो अपनी चीज़ों को, ट्रांजेक्शन जितने करते थे उस बुक को वहीं पे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर कहीं लोगों के हाथ में लगा तो इटली के ये महानुभाव थे, इन्होंने उस पर ध्यान दिया विशेष रूप से, तो इसीलिए इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या, कि देखिए बुक कीपिंग के बारे में हम लोग जाने, बुक कीपिंग के कुछ क्या है, बुक कीपिंग के कुछ विशेषताएं भी हैं, तो उन विशेषताओं को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे विशेषताओं को, उनके क्षेत्र क्या हैं, क्षेत्र के बारे में समझेंगे। क्षेत्र के बाद बुक कीपिंग के बाद एक और है जिसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखाकर्म। तो आज हम लोग अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग इसके बारे में समझेंगे। बुक कीपिंग की विशेषताएं जैसे बताते चले हम, विशेषताएं जैसा कि हम लोग बताए, पुष्ट पालन की विशेषताएं, पुष्ट पालन की विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आई, पुष्ट पालन की विशेषताएं में नंबर एक क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन यानी लेन देन होते थे, लेन देन होते थे, तो लेन देन में क्या था, उनको करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। तो पुष्ट पालन क्या है, विज्ञान भी है। विज्ञान क्या होता है एक्चुअली में, एक्चुअली में विज्ञान का मतलब हम यह समझते हैं कि विज्ञान विषय की वह शाखा है जिसके बारे में किसी भी, या ज्ञान की वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध तरीके से उसको क्रमबद्ध करते हैं, उसे व्यवस्थित करते हैं। ज्ञान को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं।
क्रमबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, जिसका हम भविष्य में क्या करें, संदर्भित जानकारी को क्या करें, इकट्ठा कर सके। तो ये तो रहा विज्ञान। तो मतलब पुस्तपालन या बुक कीपिंग क्या है? विज्ञान भी है, बुक कीपिंग एक कला भी है। कला, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। तो विज्ञान के बाद कला। अब कला क्या है? कला देखिए, एक ऐसा मानवीय दृष्टिकोण से एक ऐसी तुष्टिगुण है मनुष्यों में, जो किसी भी कार्य को एक विशिष्ट तरीके से करने में क्या होता है, सहायता करता है, या वह किसी भी कार्य को एक विशिष्ट तरीके में क्या करने को संपूर्णता प्रदान करता है। तो कला क्या है बताया? तो पुस्तपालन में कला का क्या योगदान है? पुस्तपालन में देखिए फ्रेंड्स, जो पुस्तपालक होते हैं वह उनकी विशिष्ट कला होती है। कला का मतलब क्या? वह जब रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को तो वो किस तरीके से करें। विज्ञान का मतलब क्या? कि एक पूर्व निर्धारित क्या होता है, एक नियम होता है, नियम के अंतर्गत ही उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ता है, यानी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो विज्ञान है, कला है, पुस्तपालन क्या है, विज्ञान है, कला है, और क्या क्या है, मनी कंसिडरेशन। मीन्स क्या कि जिसे हम मनी कंसिडरेशन बोलें तो मौद्रिक बोल सकते हैं, मौद्रिक परिप्रेक्ष्य में। देखिए कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि हम उन्हीं लेन देनों को दर्शाते हैं जिनकी क्या हो, हम उन्हीं लेन देनों को दर्शाते हैं जिनकी कुछ मौद्रिक मतलब निकले, इसे कहते हैं मनी कंसिडरेशन। तो उन सारे ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे जिनका कुछ मौद्रिक मूल्य हो, जिनका कुछ मौद्रिक मूल्य हो, ठीक है, तो उनको हम पुस्तपालन में रखेंगे। तो पुस्तपालन क्या है? विज्ञान है, पुस्तपालन कला है, पुस्तपालन के अंदर मौद्रिक परिप्रेक्ष्य में, जिसको हम मनी कंसिडरेशन कहते हैं या मनी कंसिडरिंग में, तो ऐसे लेन देने को हम क्या करेंगे, इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब मनी कंसिडरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्लासिफिकेशन कर पाए किसका, सौदों का, यानी वर्गीकरण, समूहीकरण, ग्रुपिंग बना लें, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर पाए, समूहीकरण कर पाए, और क्या करें, भविष्य संदर्भित रिफरेंस में, मतलब फ्यूचर के एस्पेक्ट में हम कुछ अगर निर्णय लेना हो तो भविष्य संबंधी निर्णय में भी योगदान देता है। क्या? भविष्य संबंधी निर्णय में सहायक, निर्णय में सहायक। तो ये तो रहा कुछ इसका फ्रेंड्स, ये तो रहा कुछ पुस्तपालन की विशेषताएं, ठीक है। अब हम लोग बुक कीपिंग के स्कोप के बारे में जानेंगे कि स्कोप यानी इसका क्षेत्र क्या है, पुस्तपालन का क्षेत्र क्या है। बुक कीपिंग का क्षेत्र क्या है यानी इसका स्कोप क्या है ना, पुस्तपालन का क्षेत्र यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो कॉमर्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे इसका हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कास्टिंग में भी। सबसे पहले क्या करते हैं, जर्नल वगैरह बनाते हैं तो जर्नल में उपयोग, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, बृहद दृष्टिकोण में यदि आप जाने, कॉस्ट अकाउंट में, HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट में, और अगर आप जाने तो आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में, ठीक है। तो यदि हम माइक्रो एस्पेक्ट्स की बात करें तो पुस्तपालन का उपयोग कहाँ होता है, जर्नल में, जर्नल के बाद लेजर में, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर को और किस नाम से जानते हैं, लेजर को हम और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, खाता बही। मैं इसलिए इस पे जोर दिया
कि वहाँ पर हम बात करते हैं बही खाता, और इसका नाम क्या है? लेजर। तो बही खाता और खाता बही, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक ही नहीं है। यदि आपको बोल दे कि बही खाता और खाता बही, तो दोनों अलग अलग है। और क्या है, और किस में उपयोग होता है? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में यदि हम लिखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस को हिंदी में लिखते हैं तलपट, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनको ना समझ में आए तो यहां से कंसीडर कर दें। तो ये तो रहा माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट, लिख भी दें माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स यानी पहलू। और यदि हम मैक्रोस्कोपिक के बारे में बात करें यानी बृहद दृष्टिकोण से एस्पेक्ट से हम लें, तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें आता है HRA। HRA का मतलब समझ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी आपका आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, टैक्सेशन में भी इसका यूज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसके बाद HRA हो गया, कॉस्टिंग यानी कास्ट अकाउंटिंग, और ढेर सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम बुककीपिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इसका पर्पज क्या है, मीन्स क्या उद्देश्य है। तो क्या जानेंगे हम लोग? पुष्ट पालन का उद्देश्य, पुष्ट पालन का उद्देश्य। यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसको बनाने के लिए। बिना ऑब्जेक्टिव के तो कुछ होता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो बुककीपिंग को बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो सबसे पहले क्या है? परिणाम, परिणाम निकालना। किसका? जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसका परिणाम निकालना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? परिणाम निकालना। दूसरा क्या है? निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष कैसे निकलेगा? उससे पहले हम करेंगे विश्लेषण। जो हमारा अकाउंट बना है उसका हम अपने उद्देश्य के अनुसार क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, विश्लेषण करेंगे वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं जो मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? परिणाम निकालेंगे कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस किस तरीके का है, लेजर का बैलेंस कितना शो कर रहा है, और विश्लेषण करेंगे कि विश्लेषण किस तरीके का है, क्रेडिट बेस पर सामान लाए जाने के लिए या फ्यूचर रिलेटिव सर्विस के लिए। तो इसको क्या करें? देखिए, जब ट्रांजेक्शन हुआ तो ये तो मतलब नहीं है कि हम बस कैश में ही काम करें, उधार में भी होता है। उधार दोनों तरफ से होता है, मतलब दोनों जो काउंटर पार्टीज होती हैं, जो करस्पॉन्डिंग पार्टी होती हैं, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए
कुछ सामान किसी को आप बेचे तो कहीं से आप लाएंगे भी, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि आप सारा सामान कैश में ही पूरा आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट में भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एस्पेक्ट मींस आपकी क्रेडिट क्रेडिट के आधार पर यानी क्रेडिट के बेस पर लेन देन लेन देन क्रेडिट के आधार पर लेन देन को मालूम करना, ये दोनों एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, प्रबंधकीय निर्णय लेने में, प्रबंधकीय निर्णय निर्णयन का या प्रबंधकीय को हटा दिए ताकि वो तो आ जाएगा आपका उसमें क्या नाम है अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में। हम बात करेंगे भविष्य के निर्णय लेने में। क्या बात करेंगे कि जो भविष्य से संदर्भित क्या है, जो फ्यूचर रिलेटिव सर्विसेज हैं, जो हमारे क्या हैं भविष्य संदर्भित, भविष्य से संबंधित हमारी सर्विसेज हैं। सर्विसेज मतलब भविष्य संबंधित हमारी जो सेवाएं हो उसको हम किस तरीके से और अपडेटेशन करें जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, और अगर ज्वाइंट स्टॉक वेंचर हो या कंपनी हो, तो अगर ज्वाइंट स्टॉक वेंचर या कंपनी हो तो उसके रिगार्डिंग हम किस तरीके से ट्रांजैक्शन का माहौल बनाए, मतलब किस तरीके का ट्रांजैक्शन रखे, तो पुष्ट पालन का ये उद्देश्य है जितना मैंने बताया। परिणाम निकालना, विश्लेषण करना, क्रेडिट के आधार पर लेन देन करना, उसके बाद फ्यूचर रिलेटिव सर्विसेज को देना, क्रेडिट के बेस पर सामान लाए जाने के लिए भी और सामान बेचने के लिए भी, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर कंपनी का अकाउंट तैयार करना। तो ये लिख लें हम लोग कि जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी है इनका क्या अकाउंट प्रिपरेशन करना, इनका कंपनी का खाता तैयार करना। तो सारी चीजें किससे होती है, सारी चीजें आपकी पुष्ट पालन से ही होती हैं। क्यों? क्योंकि यह प्राइमरी फाउंडेशन है। अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो सबसे पहले पुष्तपालक के यहाँ ही जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग पुष्तपालन यानी बुक कीपिंग के बारे में समझे। बुक कीपिंग क्या होता है, ओरिजिन क्या है, इसको तैयार करने के क्या क्या इसके एस्पेक्ट हैं, इसके पुष्तपालन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, और बुक कीपिंग को मेंटेन किस तरीके से किया जा सकता है। अब इसके कुछ सिस्टम भी हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, और फिर ये बुक कीपिंग आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेंगे क्या, अकाउंटेंसी। तो लास्ट टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक जो हमारा है इसके सिस्टम है, बुक कीपिंग रखने के प्रणाली क्या कर सकते हैं, पुस्तपालन रखने के प्रणाली। ठीक है, दो ही है बहुत छोटे छोटे, इसके बारे में भी हम लोग जान जाए थोड़ा। पुष्टपालन की प्रणाली, या
सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये एकदम बेसिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके पुट होते हैं यहां से, ठीक है। तो इसके देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहला है सिंगल एंट्री बेस, सिंगल एंट्री बेस, हाँ, और दूसरा है डबल एंट्री बेस, ठीक है। तो कह रहे क्या मतलब है, पुस्तपालन की दो प्रणाली है, एक तो सिंगल एंट्री बेस जिसे हम इकाई एंट्री प्रणाली कहते हैं, और दूसरा दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, सिंगल एंट्री बेस के बारे में बात करें कि सिंगल एंट्री बेस में क्या है, तो इसमें उन सारे ट्रांजेक्शन को ही बस कंसीडर किया जाता है जो क्या हो, ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर क्रिएटेड इन द कैश फॉर्म्स। बात सुन में आई फ्रेंड्स, उन सभी ट्रांजेक्शन को ही हम बस लिखते हैं जो कैश के फॉर्म में हो, क्लियर। उन सारे ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं जो कैश के फॉर्म में हो। तो ये रहा सिंगल एंट्री बेस के बारे में, जो नकदी एवं इसमें और एक चीज हो सकता है एंड निजी अकाउंट, आप इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लो कि निजी अकाउंट भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। डबल एंट्री बेस में क्या होता है, डबल अकाउंट सिस्टम में हम किसकी बात करते हैं, डबल एंट्री बेस में हम लोग सारे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, और उन ट्रांजेक्शन को ऑल ट्रांजेक्शंस, यहां पर ऑल की जगह आप ओनली कर दो, ओनली ट्रांजेक्शन भी सर, हाँ, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा ना, तब ऐसे थोड़ा क्लियर मिलेगा, ओनली ट्रांजेक्शंस विच आर क्रिएटेड इन द कैश फॉर्म एंड निजी अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज डबल एंट्री बेस में ऑल ट्रांजेक्शंस, उन सभी ट्रांजेक्शन को हम मेजर करेंगे सर जिनको क्या हो, टू एस्पेक्ट्स हो, डेबिट और क्रेडिट वाला जो प्रचलित है। तो क्या करेंगे, ऑल ट्रांजेक्शंस विच आर डिनोमिनेटेड इन टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। सभी ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस इन टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज डेबिट, लैटिन वर्ड है डेबिट, एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट। लिख दे पूरा, अच्छा रहेगा, लिख ही दे। तो फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट, ठीक है। तो हम लोग जाने, आज हमारी बुक कीपिंग पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म, कि बुक कीपिंग क्या है, इसका एक थोड़ा ओवरव्यू लेते चलें फ्रेंड्स। बुक कीपिंग क्या है, हाँ, आज हम लोग जाने क्या सिलेबस के बारे में, दोनों सिलेबस के बारे में चर्चा किए, उसके बाद हम लोग जाने बही खाता या पुस्तपालन या बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की क्या क्या परिभाषाएं हैं या किस तरीके से हम उसको मीनिंग उनकी क्या है। तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख दें, मीनिंग लिख दें यहीं पे, मीनिंग, ठीक है, जैसे और क्लियर हो आप लोगों को कि आज हम लोग मीनिंग के बारे में बात की, मीनिंग, ठीक है। ये रहा, उसके बाद फ्रेंड्स
इसके इतिहास के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लिए, इतिहास के बारे में, इतिहास के बाद हम लोग पुष्पपालन के क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जाने, उसके बाद हम लोग पुष्पपालन के क्या उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो जाने, देन हमारा पुष्पपालन की क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या प्रणाली है उसके बारे में हम लोग जाने, और नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे अकाउंटेंसी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? ये इंट्रोडक्टरी क्लास था पीजीटी यूजी, पीजीटी और टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए। एडमिशन स्टार्ट है, आप लोग एडमिशन ऑनलाइन या ऑफलाइन के बैच से ले सकते हैं माध्यम से। हमारे प्रबंधन में आप कॉल करके, नंबर आप लोगों को दे ही चल ही रहा है, नंबर क्या है, तो आप वहाँ पे कॉल करके सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? ये ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं बी एन पांडे आप लोगों को फिर मिलूँगा। धन्यवाद। कर दीजिए, कर दीजिए ये।